समय हो गया, हमें 1 से 2 माह हो गए, राजस्थान सरकार कह रही है कि जी हम जल्द से जल्द आपका सोल्यूशन करेंगे, एक के बाद एक विलम्ब कर दिखा रही है सभी मांगों को पूरा करने में, तो सरकार तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों पे और जोर तरीके से रवैया अपनाते हुए पूरा करे मांगों को, और इस मांगों को पूरा करवाने के लिए हमने जो यह युवा सत्याग्रह आंदोलन चलाया है, युवा सत्याग्रह आंदोलन के अंदर कई मांगे हम लोगों ने रखी है, 271 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, ये युवा क्रांति मार्च जो है ये दिल्ली पहुंचेगा और हम लोग कारवा जुड़ता जाएगा, यहाँ से आगे चल के सतवाजी है, उससे पहले उत्कर्ष में भी साथी लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद शाहपुरा में भी साथी लोग हैं, ऐसे हम लोग जुड़ते जाएंगे, साइकिलों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और मैं लगातार जयपुर से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करूँगा और जो साथी लोग हैं ये रिले के रूप में काम करेंगे, कोई कुछ साथी लोग शाहपुरा तक जाएंगे, फिर शाहपुरा से दूसरे साथी लोग इसकी जगह पे आ जाएंगे और फिर और साइकिलें भी जुड़ती जाएंगी और हमारा दिल्ली कार्यालय तक 21 साइकिलों का के साथ घेराव करने का और वहाँ ज्ञापन सौंपने का हमारा प्लान है। और साथियों हम इनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, गांधी परिवार से हो चाहे राष्ट्रीय महासचिव, तो मुख्य रूप से राजस्थान को देख रहे हैं, जैसे अजय माकन जी है, चाहे वेणुगोपाल जी है, तारिक अनवर जी है, मुकुल वासनिक जी है, इन सभी से हम लोग मिलेंगे और उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे और सारी मांगे भी हमारी बताएंगे ताकि वो राजस्थान सरकार को निर्देशित करें कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान करें। हमारी मुख्य मांगे आप लोगों को पता ही है, सभी साथियों को कल शाम को लाइव के माध्यम से भी मैंने आपको बता दी थी, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इस बैनर पे सारी चीजें लिखी हुई है, इसलिए पूरे बैनर की जो मांगे हैं, सबसे पहला है हमारा विज्ञप्ति जारी करो अभियान। विज्ञप्ति जारी करो अभियान के अंतर्गत जितनी भी शिक्षा विभाग की भर्तियाँ हैं, जिसमें नंबर 1 CSO की नई विज्ञप्ति जारी हो, नंबर 2 मेडिकल ऑफिसर की और ANM NT RT किसी भी डायलिसिस टेक्नीशियन हो, चाहे OT टेक्नीशियन हो, ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो, कैथ लैब हो, डेंटल डॉक्टर्स की हो, जितने भी आयुर्वेद डॉक्टर्स और नर्सेज की हो, सभी की वैकेंसीज है, वेटनरी डॉक्टर्स की जितनी मेडिकल फील्ड की वैकेंसीज है वो सारी की सारी जल्द से जल्द निकाली जाए, जिसमें फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है उसको लिखित परीक्षा से करवाया जाए। हमारे साथ आज नेपाल मेहला जी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने भी आज हमें अच्छे से सहयोग किया और इन्होंने कहा कि हम भी आपके हर तरीके से सपोर्ट में, इनके लिए सहयोग मिलते हैं, इनके लिए हमारे तरफ से धन्यवाद, जो हमेशा ये सपोर्ट करने पहुँचते हैं। साथ में ईरा जी भी यहाँ मौजूद है, जो बेरोजगारों के लिए लगातार हमारी हर जगह पर मदद करते हैं और बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो साथियों एक बड़े इंकलाब की ओर हम लोग जा रहे हैं, आज गांधी जयंती जी ने इसलिए चुना क्योंकि हमने काफ़ी समय से 27 और 28 तारीख को बड़े घेराव किए, उससे पहले भी पिछले 22 को, उससे पहले 12 को, लगातार हर सोमवार को हम घेराव कर रहे हैं स्वास्थ्य भवन का, हमारी मांगे पूरी करने के लिए हर बार आश्वासन मिलता है, हालांकि 22 भी मूवमेंट में, लेकिन जितना फास्ट तरीके से काम होना चाहिए उतना फास्ट नहीं हो रहा है, हालांकि चिकित्सा विभाग एक मात्र ऐसा महकमा है जिसमें हमने 6 भर्तियां पूरी करवा ली और दोबारा उनकी स्केल शुरू हो गई है, जबकि अन्य विभागों की सारी भर्तियों में पेंडेंसी आ रखी है, कभी किसी में OBC का मैटर आ जाता है, कभी किसी में कोई और मैटर आ जाता है और सारी भर्तियां अटकी पड़ी है, जबकि हमने तो चिकित्सा विभाग में OBC का जो मामला था उसको भी पहले ही सोल्यूशन करवा के और सारी भर्तियों को रिलेक्ट करके और पूरा करवाया था साथियों। तो अब आगे की मुहिम चल रही है, अभी भर्तियों के मामले में सबसे आगे देखा जाए तो चिकित्सा विभाग ही चल रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग चल रहा है लेकिन पद खाली है और जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा, पद अभी भी खाली है बहुत सारे और 70% पद खाली है, उसके बावजूद सरकारी पद नहीं निकाली है, तो जल्द से जल्द इन व्यक्तियों को भरे, जल्द से जल्द इस पदों को भरे। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में और सुविधा सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सैलरी बहुत कम है, NHM हो या उसके इक्विवेलेंट जितना भी सिस्टम है संविदा का है, वो चाहे कोई भी हो, बेटा प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए, संविदा प्रथा भी बंद होनी चाहिए। साथ ही जो 20,000 न्यूनतम सैलरी तो होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पैरामेडिकल कोर्स का व्यक्ति संविदा पे काम कर रहा हो या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, ये तो लोवेस्ट होना ही चाहिए। साथ में लिखित परीक्षा से सारी भर्तियाँ होनी चाहिए और फिजियोथेरेपी की और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की काउंसिल होनी चाहिए, इस तरह की कई मांगे हमारी है साथियों। सबसे मेन OBC की भी कुछ मांगों को लेकर हम लोग आगे केंद्र सरकार तक रखेंगे सारे मामले, यहाँ तक कि समय सीमा वाले जो इश्यूज आ रहे थे उसको क्लियर करवाने के लिए, चाहे वो वीडियो की हो, चाहे पशुधन साइकिल, चाहे सभी भर्तियाँ हो उनसे संबंधित जितना भी जो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करते हुए उनका समाधान करते, OBC के जो EWS MBC जितने भी हों सभी सर्टिफिकेट को जो निरस्त करने का काम पहले कर रहे थे, हालांकि इन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन फिर भी इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी करें। OBC डिसेंट्री को दूर करने के लिए 3 तारीख को बड़ी रैली हुई थी, उस
में सभी हम साथी हो चुके हैं और उसके लिए भी जल्द से जल्द केवल मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है पर मुख्यमंत्री बदलने बदलने की बातें कर रही है, तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। कल को ये नहीं मुख्यमंत्री लेट हो जाए और आश्वासन ही रह जाए, इसलिए ओबीसी के युवाओं का भी जल्द से जल्द भला होना चाहिए, क्योंकि हम सभी संवर्गों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सभी साथियों के लिए जिससे एफसीएससी में प्रॉब्लम आती है तब भी हम वहीं खड़े मिलते हैं, जनरल की बात आती है तब भी हम वहीं खड़े मिलते हैं। तो साथियों आपसे निवेदन है इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी साथियों तक ये पूरी बात पहुंच सके और इस आंदोलन को और मजबूत किया जा सके, क्योंकि इसके बाद अगर मांग पूरी नहीं होती तो बड़ी सभा भी जयपुर में होगी और इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी सभा 2018 में हुई थी, उस सभा का हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उस सभा की लाइन खींची हुई है हमारी, उस लाइन की डबल अगर भीड़ और हमारे युवाओं की फौज वहां खड़ी नहीं मिले तो सरकार को अभी हम पहले ही अलर्ट कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और उसके बाद हम गुजरात भी जाएंगे और हिमाचल भी जाएंगे और हम किस तरह से जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर गुजरात के जिले हैं जितने भी उनके हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हिमाचल के जितने भी जिले हैं उनमें भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, पूरी टीमें हमारी पूरे इंडिया की टीमें दोनों ही चुनाव जो अभी जगह है वोट की चोट वाली बात है आपको पता है, तो वोट की चोट हम लोग वहां जाके करेंगे और इनके ऊपर ये सरकारें सिर्फ वोटों की भाषा समझती है, तो हम नहीं चाहते कि सरकार के आगे हमें इस नौबत तक जाना पड़े, सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को संज्ञान में लेते हुए पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए जल्द से जल्द समाधान करे, अन्यथा बड़े आंदोलन का